सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद हमारे फ्री फायर के अंदर में क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो ये बताने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो प्लीज आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले। तो गाइस, आज रात 12 बजे के बाद तो कोई इवेंट नहीं है, लेकिन गाइस कल सुबह 4 बजे के बाद हमारे लिए कुछ स्पेशल इवेंट है जो कि हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे। तो जैसे कि आप लोग लक रॉयल के अंदर में आके गोल्ड रॉयल को देख सकते हो, तो ये काफी टाइम के बाद खत्म होने वाला है और इसकी जगह पे एक न्यू बंडल आने वाला है। तो कौन सा बंडल आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो अपना गोल्ड रॉयल है ना, तो ये आज चेंज होने वाला था, मतलब कि आज एक न्यू बंडल आने वाला था गोल्ड रॉयल के अंदर में, बट गरीना फ्री फायर ने फिर से डेट को चेंज कर दिया था। तो ये कल आएगा, बट पता नहीं कल भी आता है या फिर नहीं। तो मैं आपको अपना नेक्स्ट गोल्ड रॉयल दिखाऊंगा। और इसके अलावा गाइस वेपन रॉयल को देख सकते हो, जो कि और कुछ घंटे के बाद हमारे सर्वर के अंदर से चला जाएगी अपना पैराफल का वेपन वॉल, और इसके जगह पे एक न्यू वेपन वॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को अपना नेक्स्ट वेपन वॉल दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आप लोग को अपना नेक्स्ट गोल्ड वॉल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है अपना नेक्स्ट गोल्ड वॉल और ये एक मेल का बंडल है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस बंडल के बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही पहले वीडियो के अंदर में बता दिया था। तो फाइनली ये हमारे नेक्स्ट गोल्ड वॉल का बंडल होने वाला है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये बंडल कल सुबह 4 बजे के बाद में अपने गोल्ड वॉल के अंदर में आ जाएगा, तो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और गाइस, इसके अलावा अपना नेक्स्ट वेपन वॉल की बात करें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये अपना नेक्स्ट वेपन वॉल, तो ये काफी अच्छा गन का स्किन है। और गाइस, इस गन का नाम है किंग फिशर। और इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें हम लोग को रीलोड स्पीड डबल प्लस देखने मिल जाएगा, डैमेज सिंगल प्लस देखने मिल जाएगा, और इसके अलावा मूवमेंट स्पीड माइनस है। तो जैसे भी गाइस, ये गन का स्किन काफी ज्यादा अच्छा है और इसके अलावा एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग के पास अगर किंग फिशर गन का स्किन नहीं है ना, तो आप लोग निकाल सकते हो। और गाइस, इसके अलावा आप लोग कमेंट के बताना कि आप लोग के पास वेपन वॉल वाउचर कितना है और वेपन वॉल के अंदर में लग कितना है। और हाँ गाइस, इसके अलावा हमारे डायमंड वॉल के अंदर में एक न्यू बंडल देखने को मिला है, जो कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो गरीना फ्री फायर ने अचानक से दे दिया है। तो क्या पता हमारा गोल्ड वॉल और वेपन वॉल के अंदर में भी चेंज हो सकता है, बट मैंने जो आप लोग को दिखाया वो कन्फर्म है, पर गरीना फ्री फायर का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बाजी पलट सकता है। तो ठीक है, जो भी कुछ था टू नाइट अपडेट के अंदर में मैंने आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया। और इसके अलावा कल अगर गरीना फ्री फायर की तरफ से कोई न्यू इवेंट आ जाता ना, तो उसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।